टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस देश की मत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। इस दुनिया में हर बशर कोशिश करता है कि मैं हर किसी को हसीन और खूबसूरत लगूं, लेकिन कलाम पाक को बुनियाद बनाते हुए मैं यूं कहूंगा कि आए हम चमकें तो सही, लेकिन इसलिए नहीं कि सारा जहान मुझे देखे, बल्कि इसलिए कि सारा जहान मुझ में उसको देखे जो आफताबे सदाकत है। जानते हैं कि मालिक ने अपने पाक कलाम में क्या फरमाया, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। क्या ऐसे ही हो रहा है? सोचिए।